हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी किस तरह से हम जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि किस दिशा में प्रोड्यूस हो गया। तो इसके लिए फ्लेमिंग का एक रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के सीधे हाथ का नियम हम जो है इस्तेमाल करते हैं किसी इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। और फ्लेमिंग का सीधे हाथ का नियम क्या कहता है, यानी इफ बी स्टेट फर्स्ट टू फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड, देन फर्स्ट फिंगर इंडिकेट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट the direction of induced current and thumb indicate the direction of मोशन ऑफ कंडक्टर यानी अगर हम अपने सीधे हाथ की पहली दो उंगलियां, यानी ये हमारा सीधा हाथ है और इसकी क्या है, देखिए हम ये पहली दो उंगलियां, दिस इज द हमारी फोर, दिस इज फोर फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज रिंग फिंगर, दिस इज लिटिल फिंगर, दिस इज द थंब। अगर हम अपने सीधे हाथ की पहली दो उंगलियां, यानी दिस वन एंड दिस वन और थंब को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, यानी इन दोनों के बीच में 90 एंगल बनना चाहिए और यहाँ पर भी 90 एंगल बनना चाहिए, तब ये तीन चीज़ें, यानी ये तीन जो हमारी उंगलियाँ हैं अंगूठे को लगाकर, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करती हैं, जिसमें कुछ इस तरह से ये बनता है कि जो हमारा ये अंगूठा हुआ ये मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन शो करेगा, जो हमारी पहली उंगली होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी हमें, और जो हमारी बीच वाली उंगली है ये हमारी करंट की डायरेक्शन बताएगी। हमारे गुरु ने हमें बताया था कि इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, कि जो गोविंदा है वो फिल्म में क्या है, बहुत अक्षियों से गोली मारता है, तो हम भी इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, अक्षियों से गोली मारे था था था, तो इस तरह से जो है हम याद रख सकते हैं इसको, कि ये जो है दिस वन इज द, कि ये क्या है, एक ऐसा रूल है जिसके द्वारा हम जो है बहुत ही आसानी से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस होती हैं उनकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी डायरेक्शन हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा थंब है ये बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन, जो हमारी पहली उंगली है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, जो हमारी बीच वाली उंगली है ये हमारी जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही होगी उसकी डायरेक्शन बताएगी। किस तरह से, देखिए इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम दो मैग्नेट ले लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर हमने क्या करा, दो मैग्नेट लगा ली, ये इसका नॉर्थ साउथ नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये इसका साउथ पोल, यानी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ इस दिशा में हो रही है, इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहती है। और हमने क्या करा, हमने एक जो है इसमें
जो एक कंडक्टर लिया और उसको जो इस दिशा में गुजार दिया भाई, एक कंडक्टर लिया उसको हमने ऊपर की तरफ गुजार दिया, फेंका मार दिया नीचे, तो नीचे तरफ से फेंका और ऊपर चला गया वो, तो यानी जो मोशन हो रहा है वो अपर डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इस रूल को जो हम बता रहे थे इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, यानी कुछ इस तरह से लगेगा। देखिए जो अंगूठा है हमारा ये क्या कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो मोशन हो रहा था वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी अपर डायरेक्शन हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी हो रही है देखिए नॉर्थ टू साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है कुछ ये है, इस तरफ है, तो इसलिए क्या है नॉर्थ से साउथ की दिशा में हमारी जो है जो पहली उंगली है वो है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे बीच वाली उंगली है वो क्या है, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, यानी इसके जो ये कंडक्टर है इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या है बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रही होगा। ठीक इस तरह से हम जो है अगर हमें जो मोशन पता है कंडक्टर में किस दिशा में हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके रूल के हिसाब से हम जो है इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं जो हमें फ्लेमिंग ने दिया था। अगर हम इस कंडक्टर को कुछ इस तरह से गुजार दें, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, गिर गया है ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया है, यानी अब जो कंडक्टर का मोशन हो गया वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो गया, तो इसी रूल को हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि जो जो मोशन जो हो रहा है अब क्या है देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी, यानी बीच वाली जो हमारी पहली उंगली है ये क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से करेगी, और जो अंगूठा है हमारा देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट था यानी जो जो मोशन हो रहा है कंडक्टर के अंदर वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये हमारा जो मोशन है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये वाली उंगली हमारी ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये वाली जो उंगली जो बाहर की तरफ आ रही है इस तरफ जो आ रही है ये रिप्रेजेंट करेगी इस कंडक्टर पर प्रोड्यूस होने वाले इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, यानी इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रही होगा इस समय इस कंडक्टर के अंदर वो बाहर की तरफ हो रही होगा। इस तरह से हम जो फ्लेमिंग ने रूल दिया था उसके आधार पर हम इन सब की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।